हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा नए राशन कार्ड में आवेदन कैसे करें, और जिनका राशन कार्ड बन चुका है उसमें बहुत गलती रह गई या नाम छूट गया है, इसके संबंध में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या करना है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को बजा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को पता ना हो उनको पता हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये पत्र का फॉर्म है, इसमें नया राशन कार्ड के आवेदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस फॉर्म को चलिए भर के बताते हैं कैसे कैसे भरना है। इसमें पहला में आवेदक का नाम देना है, जो लेडीज घर की मुखिया होगी उनका नाम देंगे इसमें। उसके बाद आधार नंबर देंगे उनका, मोबाइल नंबर देंगे घर का एक। उसके बाद आवेदक के पति या पिता का नाम देंगे। दोस्तों, प्रयास करिएगा आवेदक के पति का नाम ही दें। उसके बाद पूर्ण आवासीय पता, जो आपका पता है पूर्ण आवासीय पता देना है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड देना है, बैंक खाता नंबर देना है, बैंक तथा शाखा का नाम देना है। उसके बाद इसमें फर्स्ट क्लिक करके इसमें पहला में नाम भर दीजिएगा। उसके बाद उनके पति का नाम, लिंग, उसके बाद उम्र उनका भर दीजिएगा, वैवाहिक स्थिति में हाँ दीजिएगा, उसके बाद संबंध में स्वयं दीजिएगा। उनका सेकंड नंबर में उनके पति का नाम दीजिएगा। उसके बाद उनके पिता का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, संबंध में उनका पति दीजिएगा। उसके बाद जो भी होगा सदस्य और अन्य सदस्य का वैसे करके सारा डिटेल भर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद इसमें आधार नंबर देना है। पहला में जिनका आवेदक का जो आधार नंबर होगा वो देंगे, मोबाइल नंबर, व्यवसाय क्या करते हैं, हाउस वाइफ है या कहीं काम कुछ करते हैं। उसके बाद आमदनी का स्रोत जो होगा दीजिएगा, हाउस वाइफ होगा तो नहीं दीजिएगा। मासिक आय, हाउस वाइफ होगा तो 00 दे दीजिएगा या NA लिख दीजिएगा। और कुछ और काम करती होगी तो प्रयास करिएगा 10,000 से ज़्यादा नहीं दें। उसके बाद सेकेंड नंबर में उनके पति का भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, आमदनी का स्रोत, ऐसे करके भर दीजिएगा। उसके बाद ये 10 नंबर में है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जो ग्रामीण से होंगे उनके लिए ये है। और ये 11 नंबर शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी से होंगे उनके लिए है। चलिए ग्रामीण क्षेत्र में बताते हैं, मोटर चार पहिए वाहन ऐसे के लिए हैं, अगर होगा तो हाँ दीजिएगा, नहीं तो प्रयास करिएगा नहीं देने का। दोस्तों, इसमें बहुत सा है, इसमें दिया हुआ है, इसमें ज़्यादातर प्रयास करिएगा नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शहरी क्षेत्र में भी होगा तो उसमें भी ऐसे ही प्रयास करिएगा ज़्यादातर में नहीं देने का। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, आवेदक का हस्ताक्षर कर देंगे या हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तो अंगूठा का निशान दे देंगे। इसमें दिनांक दे देंगे, कहाँ से भर रहे हैं वह स्थान दे देंगे। फिर घोषणा पत्र है, इसमें भी दिया गया है कि जो भी मैं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वह सही सही है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान ले लीजिएगा, डेट दे दिया जाएगा। उसके बाद इसको RTPS काउंटर पर जाकर, ब्लॉक पर जाकर इसको सबमिट कर दीजिएगा। चलिए अब दोस्त बताते हैं प्रपत्र ख, प्रपत्र ख फॉर्म में इसमें नया नाम जुड़वाने के या हटवाने या फिर नाम गलती हो गया है कुछ तो सुधार करवाने के लिए प्रपत्र ख फॉर्म का भरेंगे। इसके लिए आवेदक का नाम, आवेदक जो भी राशन कार्ड बना हुआ है उनके नाम, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर दीजिएगा, आवेदक के पति का नाम, पूर्ण आवासीय पता दीजिएगा, उसके विद्यमान राशन कार्ड की संख्या, जो राशन कार्ड बना हुआ है उसमें कार्ड में दिया हुआ राशन कार्ड संख्या वो देंगे, संबंध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुगति संख्या, उसमें डीलर का नाम दीजिएगा 7 नंबर में, और उनकी संख्या जो होगा वो दे दीजिएगा, नंबर होता है 1, उन्हीं से पूछ लीजिएगा बता देंगे वो। उसके बाद विद्यमान राशन कार्ड में उपरांत का कारण, इसमें क्या अगर निवास में चेंज करवाना चाहते हैं, जन्म या मृत्यु में जो चेंज करवाना है इसमें टिक कर देंगे। अगर जन्म नया नाम जन्म लिया है उनका जुड़वाना चाहते हैं तो टिक करके यहाँ जन्म लिख देंगे इसमें ख में, या फिर ब्यौरा कुछ गलती है कार्ड में का तो वो गलती का यहाँ इसमें निशान कर देंगे। अगर दोनों में रहेगा जन्म या अशुद्धि दोनों में तो दोनों में टिक कर दीजिएगा, या अन्य कारण जो भी कारण हो वो कारण लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद अगर नाम नया जुड़वाना हो तो इसमें नाम जुड़िएगा, उसके पिता का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, संबंध। दोस्तों, अगर नया नाम जुड़वाइएगा तो इसके आवेदक का नाम है उससे इसका क्या संबंध है वो संबंध में दीजिएगा।
ऐसे ही करके पूरा भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आधार नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, आमदनी का स्रोत, मासिक आय जो भी होगा वो दे दीजिएगा। उसके बाद वैसे ही जिसमें प्रपत्र क में जैसे भरते हैं उसमें प्रपत्र ख में भी ऐसे ही भरेंगे। अगर मोटर चालक 3-4 रुपया है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। इसमें भी ग्रामीण शहरी क्षेत्र में अलग अलग दिया गया है। इसी तरह इसको भर के आवेदक का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, दिनांक, स्थान दे के इसमें दोनों में भी घोषणा पत्र में भी ऐसे ही भर लेंगे। उसके बाद जाके RTPS काउंटर पर पता कर लेंगे किस दिन आपका आवेदन लिया जाएगा। सभी पंचायतों का अलग अलग लिया जाता है, तो ऐसे ही जाकर वहाँ जमा कर देंगे। साथ में इसके डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की छाया प्रति और प्रपत्र वाला में बैंक आधार ये सब देंगे उसमें।